नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के नगीना की, जहां नगीना पुलिस ने कॉलेज जा रहे एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नगीना थाना क्षेत्र के गांव की युवती इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है। जब वह कॉलेज गई थी तब गांव रसीदपुर गढ़ी निवासी उज्जवल चौधरी अपने दोस्त अनुज के साथ कार से कॉलेज के पास पहुंचा और छात्रा को रोक लिया। उज्जवल छात्रा को पहले से जानता था। पहला फुसलाकर उसने छात्रा को कार में बैठा लिया और नगीना बिजनौर मार्ग पर जंगल में ले जाकर उज्जवल ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की और दोनों छात्रा को नगीना छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। परिजनों ने उज्जवल और उसके दोस्त अनुज के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी उज्जवल की तलाश कर रही है। सीओ नगीना संग्राम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, कल शाम को थाना नगीना में एक महिला ने आके सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी को उसके मित्र उज्जवल चौधरी ने पुरैनी में हाईवे के निकट एक गाड़ी में ले गया तथा निर्जन स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर तत्काल नगीना पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया, पीड़िता का मेडिकल कराया, गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। गाड़ी चालक पुलिस के हिरासत में है। प्राथमिक पूछताछ पर ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पीड़िता अभियुक्त को पहले से जानती थी तथा लगातार उसके साथ फोन पे संपर्क रखती थी। मुख्य अभियुक्त की तलाश जारी है तथा शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।